श्री पिया जी ने भोजन इन विद किए, श्री श्यामा जी ने पूरण इन विद किए, श्री कान्हा जी ने भोजन इन विद किए, श्री भद्रा जी ने पूरण इन विद किए, श्री छत्रसाल जी ने भोजन इन विद किए, श्री लता जी ने पूरण इन विद किए, मेरे सतगुरु साहेब जी ने भोजन इन विद किए, फिर मूल स्वरूप चित मिलिए, जो कोई वासना मूल स्वरूप से नही, कोई सुख नहीं समान, अंग न तो कोटि बेर कुर्बान, अंग न तो कुर्बान। बोलो श्री कायनाथ प्यारे जी, श्री सतगुरु महाराज जी, कृष्ण कन्हैया लाल जी, श्यामा महारानी जी, विष्णुपुरी धाम जी, श्री गंगानगर धाम जी, श्री विजक महायज्ञ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जू की, हमारे कैशियर जी जय हो ही नहीं बोल रहे। देखो इतनी सारी जय हो बोल के चली गई, हमारे कैशियर साहब जी ने जय हो ही बोली। प्राणनाथ प्यारे की, अब तेज आवाज थी ना, क्योंकि हमारे कैशियर साहब जी बोले पूरा दम लगा के। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जू की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की। आइए लाडले सुंदर साहब जी वंदना करते हैं धामधनी श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में श्री बंगला जी दरबार के अंदर साक्षात विराजमान हैं। आइए श्री जी साहेब जी के श्री चरणों में वंदना प्रारंभ करते हैं। श्री वंदो सत गुरु चरण को करो सो प्रेम परिणाम, आशो भरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े
मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मिहरी बड़ी महबूब की आखंड अलेखे हैं, सखीरी मिहरे बड़ी महबूब की, मिहरे बड़ी महबूब की। जिसको लग रहा हूँ बहुत कृपा है बस वो बोले, जिस पर कृपा नहीं हुई अब तक वो ना बोले। अंतरे आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे है, सखीरी मिहर बड़ी महबूब की। अंतरे आँखा खोल सी ए सुख सोई नाथा, भरोसा हम को जो भाव जले उतरे पार, नाथा भरोसा हम को जो भाव जले उतरे पार। इन जुबा के ती कहूं इनमें हर को नाही शुमार, इन जुबा के ती कहूं इनमें हर को नाही शुमार। मेहरे बड़ी महबूब की आखंड अलेखे हैं, सखीरी मिहरे बड़ी महबूब की, मिहरे बड़ी महबूब की आखंड अलेखे हैं, सखीरी क्यों मिहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, क्यों मिहर मुझ पर भई ए थी क्यों मिहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक, मिहर बड़ी महबूब की आखंड अलेखे है, सखीरी मिहर बड़ी महबूब की। अंतरे आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे है, सखीरी मिहर बड़ी महबूब की। मेरे
देखियो दर्द न कछु इशक मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक ना सेवाना बंदगी ए मेरी बीतक ना सेवाना बंदगी ए मेरी बीतक मिहरे बड़ी महबूब की आखंड अलेखे है सखीरी मिहरे बड़ी महबूब अंतरे आंखा खोलसी ए सुख सोई देखे है सखीरी मिहरे बड़ी महबूब की बढ़त बढ़त मिहर बढ़ी कहूँ वारे न पाये पार बढ़त बढ़त मिहर बढ़ी कहूँ वारे न पाये पार एक ए निर्णय ना हुई वकवाही जाने शुमार मेहर बड़ी महबूब की आखंड अलेखे है सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अंतरे आंखा खोलसी ए सुख सोई देखे है बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। तामे आई सृष्ट ब्रह्म की ए जो खासल खास उम्मत ताको जगावे जुगत सो दावा कर कयामत दावा कर कयामत शाह कुंडल शाह कुमार को चले जगावन काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी श्रीजी बाईजू राज महारानी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जहां श्री प्राणनाथ जी बाईजू राज महारानी साहिबा होते हैं वहां महाराजा छत्रसाल जी हर पल विराजमान होते हैं और इस तखत पर विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। निज मंदिर की सेवा कर रहे परम श्रद्धेय श्री पुजारी जी महाराज श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के सभी ट्रस्टीगण छोटे छोटे बच्चे लाइव चर्चा सुन रहे समस्त सुंदर साहब जी एवं सन्मुख बैठ के पुष्टता के साथ एक ही आसन पर बैठ के नियमबद्ध होके चर्चा सुन रहे श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहब जी।
आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट मेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, ये बीतक हमारा एक उत्सव बन गया है। ऐसे लगता है कि हमारे लिए तो 2 महीने से उत्सव चल रहा है। पहले सुंदर साथ बीतक सुनते थे ना, बुजुर्गों से पूछना, बड़ा मुश्किल उनका टाइम पास होता था। आधे सो जाते थे, आधो को नींद आती थी, और जब आता था ना श्री महामत कहे मोमिनो, तब वो उठते थे, तब वो चौपाई दोहराते थे, मैं अभी तक बुरी हो गई क्या। लेकिन ये बेचारे तो 1 मिनट भी आंख नहीं झपक सकते, है ना, जरा सी इनकी गर्दन टेढ़ी होने लगती है और आंख पलक थोड़ी सी ऐसे भी होने लगती है ना, तो यहाँ शिरजी साईं जी उसी को आवाज लगा देते हैं, है ना। तो अब हमारी अभी तक हमारे लिए क्या बन गई है, उत्सव। ऐसे लगता है कि 2 महीने से बसंत आया हुआ है। कहते जीवन में एक ग्रंथ आ जाए, एक सच्चा संत आ जाए, सच्चा सतगुरु जीवन में आ जाए, तो उसके जीवन के अंदर सदा ही बसंत आ जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारे जीवन के अंदर संत महंत अक्षरातीत धाम के धनी सभी आए हुए हैं, और मेहरों की तो झड़ी लगी हुई है, कृपा की तो झड़ी लगी हुई है हमारे समस्त सुंदर साथ पर। हमें लग ही नहीं रहा कि हमें 2 महीने हो जाएंगे अभी तक सुनते हुए, है ना, जबकि हमारे छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं कि फिर उसके बाद क्या करेंगे 10 तारीख के बाद। मैंने कहा उसके बाद मेले की मीटिंग करेंगे, हमारे पास 15 दिन नहीं होंगे मेले की मीटिंग के लिए, हमारे पास तो उत्सव अभी 2 अक्टूबर तक चलेगा, है ना, अभी तो कंटिन्यू है, अभी बंद नहीं है। तो लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा, हम कितना शुक्राना बजाएं ना। सच में कहा था श्री इंद्रावती जी ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को कि सब धरती कागज करूं, सारी धरती का मैं अगर कागज बना लूं और सारी वनस्पति की अगर मैं कलम बना रही हूं और कलम बना के बिल्कुल बारीक बारीक उसकी चोंच कर लूं, है ना, और 7 समुंदर की स्याही बना लूं, है ना, और फिर एक अक्षर लिख के एक आपका गुण लिख के आगे 0 लगाती जाऊं, है ना, तो कै श्री इंद्रावती गुण ना देखे किन एक रत्ती, धनी दिखा जगाए के दिखावसी गुण, तब हंसी होसी अति घन। तब भी श्री इंद्रावती जी ने कहा इतना मैं कर लूं, नील पदम तक गिनती में पहुंच जाती हैं, और कहती इतना भी मैं कर लूं, और फिर उस प्रकरण में कहती हैं जेती वनस्पति निर्माण करे, कहते जितनी वनस्पति मतलब एक कनक की फली के अंदर कितने कनक के दाने होते हैं, एक सरसों की फली के अंदर कितने सरसों के दाने होते हैं, और श्री इंद्रावती जी ने कहा 14 तवक ब्रह्मांड के अंदर जितनी वनस्पति निर्माण करती हैं और इस धरती के धूल के कण गिने जा सकते हैं, वो दाने गिने जा सकते हैं, मेघ की बूंदे गिनी जा सकती हैं, जितने मेघ बरसते हैं वो बूंदे गिनी जा सकती हैं, पर मेरे धनी के गुण की मैं क्या कहूं, इन अवगुण पर एते गुण, श्री महामत के इन दुल्हे पर मैं वारी वारी जाऊं दुल्हन। ऐसे दुल्हा ऐसे प्रीतम ऐसे धनी हमें पल पल मेहरों से सींच रही हैं। बड़ा ही जीव तपस्वी है जो हमारे अंदर बैठा है, अनंत जन्मों की तपस्या कर करके आया है। मुझे लगता है यही कहीं यहीं पे ही सुंदर साथ वो औलिये वो अंबिये वो जिक्रिया हैं, वो सब तपस्या करने वाले जो जीव है ना, शायद वो यहीं आके बैठे हैं।
जिनको सुबह से लेके रात तक निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं अब एक क्षण के लिए भी धनी हमें अपनी नजरों से अलग नहीं कर रहे। आप विचार कीजिए। और आज सतगुरु महाराज जी कह रहे थे मुझे, मैंने कहा सारा दिन घर का काम ही नहीं पूरा होता, तो बोले ये घर का काम नहीं है, ये पल पल सेवा है, खाते पीते उठते बैठते सब सेवा ही जान। इस समय जैसे मोमिनों ने कहा था ना कि हमारी नमाज कजा नहीं होती, खाते पीते उठते बैठते सब नमाज ही जान। मेरे सतगुरु महाराज जी प्रातःकाल कहते इस समय समस्त सुंदर साथ की नमाज एक पल के लिए कजा नहीं हो रही, उनका खाना पीना उठना बैठना दौड़ना चलना पढ़ना सेवा करना ये सारी नमाज अदा कर रही हैं वो। और ऐसी अखंड नमाज अदा करने की शक्ति हमारे धाम धनी हमारे सतगुरु हमें प्रदान कर रही हैं, है ना। तो उनकी मेहर उनका शुक्राना किस तरह से हम बजाएं, हम तो असमर्थ हैं, हम तो शुक्राना भी उनका नहीं बजा सकते। क्यों? खाकी बुत विच ना कोई ताकत, खाकी बुत विच ना कोई ताकत, जो अरश दी बोली बोले रहमत ये मेरे सतगुर दी अपने गुज आप ही खोले। बिन मंगे सुख रूहानू देना ए उस दी अदा अनोखी, आज तलक कोई जान न सकिया ते नाई किसे ने वेखी, तेरे बिन मैं कुछ ना तका, तू ही तू बस मेरा, तेरे बिन मैं कुछ ना तका, तू ही तू बस मेरा, बिन तेरे जग रात अंधेरी, तू लाया अरश दा सवेरा, तू लाया अरश दा सवेरा, अपनी लाडलिया नो प्रीतम ए दुख दा खेल दिखावे, अपनी लाडलिया नो ए दुख दा खेल दिखावे, मेहर दिया नजरा विच रखे किते माया लग ना जावे, किते माया लग ना जावे। पिया जी मेरे निज घर वाले, धनी जी मेरे मेहरा वाले, पिया जी मेरे निज घर वाले, धनी जी मेरे मेहरा वाले, गुरु रूप सुहाए हद बेहद पार तो आए, पिया जी मेरे निज घर वाले, धनी जी मेरे मेहरा वाले, श्री सतगुरु रूप सुहाए हद
हद बेहद पार तो आए पिया जी मेरे निज घर वाले, धनी जी मेरे मेरा वाले। ऐसे धाम धनी अक्षरातीत जिन्होंने श्री पांच महामंगलपुरी धाम के अंदर संकल्प किया ना, आज वो ही हमें जगा रही हैं। क्योंकि लाडले सुंदर सा जी 12,000 ब्रह्म सृष्टि तो मूल मिलावे में सो रही हैं, उनके ऊपर तो फरामोशी का पर्दा है ना, और एक जागत है हक, श्री राजी महाराज जाग रहे हैं, और वो श्री राजी महाराज श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में हमारे आशिक बन के हमें जगाने के लिए इस खेल के अंदर आए। तो कल हम चौपाई सुन रहे थे कि तामे आई सृष्ट ब्रह्म की ए जो खासल खास, इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि उतर के आई है, और उसको कुरान के अंदर खासल खास कहा गया है। खास है ईश्वरी सृष्टि, आम है जीव सृष्टि, पर खासल खास कौन है? जो मूल मिलावे के अंदर धनी के चरणों में बैठी है, ताको जगावे जुगत सो। आज हमें कैसी युक्ति से जगा रही हैं? कौन जगा रही हैं? श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी, जो 400 वर्ष से आज भी श्री गुम्मड़ जी के अंदर बैठे हैं और अनंत स्वरूप धारण करके रूहों को जगा रही हैं। जागो जगाऊं जुगत सो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पियू सो, सुफल करूं अवतार। जागो जगाऊं जुगत सो, ये युक्ति है रात को भी तक वाणी चर्चा सुनाना, और फिर प्रातःकाल हम वैसे जल्दी ना उठते, पर पूरे 2 महीने से सुंदर सार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके ध्यान करके सेवा पूजा करके भोग बना के अपने अपने हाथ में होट केस लेके दौड़े चले आते हैं, और बिना बोले बिना किसी से बात किए एक मौन धारण होता है प्रातःकाल, और आके बैठ जाते हैं वाणी पढ़ने के लिए। 2 घंटे तक कोई किसी के साथ बात नहीं करता। ये इतना बड़ा महायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, जिसमें सारी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ अपनी आहुति डाल रही हैं, और निस्बत के बिना कोई वाणी पढ़ नहीं सकता, निस्बत के बिना कोई आ नहीं सकता, क्योंकि हम रोज भजन गाते हैं, पिया तेरी मेहर के बिन यहाँ आया नहीं जाता, कृपा के बिना हम आ नहीं सकते। फिर कृपा कितनी करनी पड़ी धनी को, ये कौन कर रहे हैं? ये श्री प्राणनाथ जी, श्री इंद्रावती जी की आत्म, जो श्री पांच महामंगलपुरी धाम से चली है जगाने के लिए, आज भी हर तन के अंदर बैठ के जागनी का काम वही कर रही है। ताको जगावे जुगत सो, ये युक्तियां बनाती हैं जगाने की, कि पाठ रख के पहले पर्ची का सिस्टम था, फिर सेकंड सैटरडे संडे का वाणी पढ़ो है ना, साथ साथ पाठ पढ़ाए हमसे, फिर कह दिया बीतक करो, बीतक करते करते 2 अगस्त को बोला कि नित्य प्रति 1 गोटा पारायण कीजिए, रोज कीजिए, रोज पढ़िए। ये कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ सकते हैं? नहीं। ये युक्ति है, ताको जगावे जुगत सो, दावा कर कयामत, और पूरे दावे के साथ कहती हैं कि आत्म जागृति का समय आ गया है, अपनी आत्मा को जगा लो, क्योंकि पीछे पछतावा क्या करे, जब गया समय चल ऐसे क्यों भूले, अंकुरी जाके सांचे घर ने चल, जब वक्त निकल जाएगा ना फिर कुछ नहीं होगा। जो काते बिना उठेगी तो फिर समय चाहेगी, बहुरी ए समय चाहेगी, लेकिन फिर ये वक्त दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक बार बोर्ड की परीक्षा से कापी मैडम हाथ से खींच ले
अब उसको याद आए कि मुझे तो ये पूरा क्वेश्चन याद है, मुझे आता है, मैं लिखना चाहती हूँ। मैडम कॉपी देती है, देती है। नीतू जी आपने बहुत टाइम तक जॉब करी ना। वीना भाभी जी कॉपी मैडम दोबारा देती है ले लेने के बाद, दया करती है उस पर कि तू कमरे में बैठ के लिख ले, थोड़ी देर और लिख ले, तेरे को आता है तो है। कॉपी कौन सी है? ये शरीर। ये शरीर क्या है? कॉपी। 3 घंटे का टाइम है हमारे पास। बोर्ड की परीक्षा में कितना टाइम होता है? 3 घंटे का। 2 पीरियड बीत गए, ब्रिज का बीत गया, रास का बीत गया, ये तीसरा पीरियड चल रहा है और तीसरे पीरियड का भी लास्ट टाइम चल रहा है। और अब पता नहीं कब कॉपी हमारे हाथ से, ये वाली कॉपी कितनी देर और है हमारे पास। जो हाथों से सेवा करना चाहें, जो लिखना चाहें लिख लें, तन से मन से दिल से जो सेवा करना चाहें अभी कर लें, बाद में हम सेवा नहीं कर सकेंगे। तो धनी आज जगा रही है, कहते शाकुंडल शाकुमार जगाने के लिए कहां से निकले हैं? श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत से निकले हैं, क्योंकि उनको सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा था कि महाराजा छत्रसाल जी और औरंगजेब बादशाह की जागनी करो। और क्या कहा था देवचंद्र जी ने? कुली कलिंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तुम। और कहा था कि कलयुग जिसने अज्ञानता फैला रखी है, उस अज्ञानता के साथ, अज्ञानता मतलब विकारों वाली प्रवृत्ति, विकारों वाली बुद्धि, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यही अज्ञानता है। इसको रात्रि का है, इसको अंधेरा का है ना। तो कहते उससे युद्ध करो, दे बुद्ध छुड़ाए के ल्याओ बुद्ध आत्म। कहते देही पे ही सारा दिन लगे रहते हैं दुनिया वाले, सुबह भी देही का ध्यान, कैसा नाश्ता करना चाहिए, कैसे योगा करना चाहिए, किस तरह से हमें खाना चाहिए, कैसा पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना हमें रेस्ट करना चाहिए, कैसे शरीर का ध्यान रखना चाहिए। प्राणनाथ जी ने कहा ये माया के जीवों का काम है। किसका ध्यान रखना? देही का ध्यान रखना, सारा दिन सुबह से लेके रात तक इसी की देख रेख करना है। और श्री प्राणनाथ जी को सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा दे बुद्ध छुड़ाए के ल्याओ बुद्ध आत्म। जितना वो अपनी देही का ध्यान रख रहे हैं ना, कि सुबह नाश्ता करना जरूरी है, दोपहर का भोजन जरूरी है, शाम के लिए कुछ स्नैक्स चाहिए, रात के लिए कुछ चाहिए, है ना, तो आत्मा को भी इतना ही चाहिए। आत्मा के लिए नाश्ता क्या है प्रातःकाल का? कि जब तक तारतम की एक माला ना हो, 600 चौपाई ना पड़ी जाए, सेवा पूजा ना हो जाए, मेहर सागर मूल मिलावा मंगलाचरण, है ना, कुछ नियम है प्रातःकाल के, वो पूरे ना हो जाएं, अपना ध्यान रखें कि हम जितना इस देही का ध्यान रख रहे हैं अपनी आत्म का भी ध्यान रखें। तो श्री जी ने देवचंद्र जी महाराज ने कहा दे बुद्ध छुड़ाए के। कौन सी बुद्धि है दुनिया वालों के अंदर? सारा दिन शरीर शरीर शरीर। कहते तुम जो कुछ सोचते हो ना, मेरा शरीर ठीक नहीं रहता, तो कहते ये प्रकृति वही सुनती है तुम्हारी बात। तुम कहते हो मैं थकी हुई हूं, प्रकृति कोट गुना लौटा देती है आपको कि आप थके हुए हो। तुम कहते हो मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, प्रकृति कोट गुना लौटाती है उसको एहसास कि तू ठीक नहीं है। हम जो बोलते हैं वो कोट गुना होके हमारे पास आता है। जब हम कहते हैं कि जितनी कृपा मुझ पर है इतनी कृपा तो किसी पर भी नहीं है, तो प्रकृति उसको करोड़ गुना कर देती है कि इसने क्या बोला कि जितनी कृपा मेरे पे है।
तो कहते सारा दिन देह को कौन लगे रहेंगे, माया के जीव। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा देह बुद्ध छुड़ाई के ल्याओ बुद्ध आत्म, आत्म की बुद्धि ल्याओ। सारा दिन किस पे लगे हुए हैं, सुबह से लेके रात तक जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पंखी आदमी फिरत याई में फेर। जब से सूरज निकलता है अंधेरी चल पड़ती है सिर्फ इस पेट को पालने के लिए। किसका पालन करने के लिए, पेट का पालन करने के लिए। तो श्री जी ने कहा, सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा धर्म विरोध धरामिने करता कुली दज्जाल। धर्म का विरोध हमेशा जिसके अंदर कलयुग बैठा होगा, जिसके अंदर दज्जाल बैठा होगा, जिसके अंदर शैतान बैठा होगा, वो निजानंद संप्रदाय के शुभ कार्यों में शैतान का रूप बनेगा। धनी ने कहा वो कौन होगा, वो कलयुग होगा, वो दज्जाल होगा, वो शैतान होगा, जो निजानंद संप्रदाय के कार्यक्रम करने ना दे, बाधा डाले, जो सुरता पीछे खेंच ही, ताई जानो छल दुश्मन शैतान। वही छल है, वही दुश्मन है, वही शैतान है। तो सतगुरु देवचंद्र जी ने श्री इंद्रावती जी को कहा कि ये जो धर्म का विरोध करता है ना, इसको मार डालो। किससे मारो, इस तारतम वाणी चर्चा सुना सुना के उनके अंदर से शैतान को निकाल लो, उनके अंदर से कलयुग को निकाल लो। जो धर्म का विरोध करता है वही कलयुग है। जो पाठ में पारायण में उत्सव में जो कहता है ये क्यों हो रहा है, धनी कहते हैं जो सुरता पीछे खेंच ही, जो परम धाम को जाती हुई आत्माएं जो जागनी के लिए, जो जागृत होने के लिए आगे कदम बढ़ा रही हैं, अगर उनके पांव कोई पीछे खींचता है तो शिव जी ने कहा वो कौन है, वो दज्जाल है। ताको मारो सिताब सो जो होवे सब खुशियाल। वाणी चर्चा सुना सुना के मन के अंदर जो जब दज्जाल बैठा है, जो शैतान बैठा है, उसको मारो, उसको खत्म करो। किसके द्वारा, वाणी चर्चा के द्वारा, सोटी के द्वारा नहीं, लाठी के द्वारा नहीं, वचनों के द्वारा। कि हमारे अंदर जितनी हरकत करता है कौन करता है, कौन करता है, शैतान। एक दिन होए एक कहा सब भजन करे भगवान। बोलो श्री, अब जो घड़ियां चल रही हैं ना, यही प्राणनाथ जी चाहते हैं। एक दिन होए एक का निजानंद संप्रदाय में सारे सुंदर साथ एक हो जाएं, एक होके एक ही भजन करें, एक का ही भजन करें, इकट्ठे बैठ के करें। बाघ बकरी चरे एक संग। श्री जी ने कहा मेरा दिल करता है चाहे कोई शेर हो चाहे कोई बकरी हो, इकट्ठे बैठ के चरे। शेर कौन है, मुसलमान। बकरी कौन, हिंदू, है ना। तो श्री प्राणनाथ जी चाहते थे सारे एक साथ रहें, बाघ बकरी एक संग चरे, है ना। तो श्री प्राणनाथ जी की इच्छा क्या है कि सारे एक निजानंद संप्रदाय में आके एक ही तारतम वाणी का पाठ सब इकट्ठे बैठ के करें, है ना। देव वेद कतेब की साईदी जो ल्यावे सब ईमान। कहते वेदों की साक्षी दो, कतेब की साक्षी दो, सबको को कि जो कछु कया वेद ने सोई कया कतेब। बंदे एक साहिब के लड़त पाए बिना भेद, जो कुछ वेद कह रहे वही कतेब कह रहे। एक साहिब के सारे बंदे हैं पर भेद नहीं है, इसलिए लड़ रही हैं। सतगुरु देवचंद्र जी ने श्री इंद्रावती जी की आत्म को ये इशारों में हुक्म किया, सारी जागनी का एक एक चौपाई बोलते गए। उनकी बुद्धि तो असरा फील है ना, निज बुद्धि है ना। यहां हम बांस की बुद्धि कहते हैं, बांस को जरा सा ठोकर मारो तो वो पूरा फट जाता है, कहते बांस बुद्धि है, है ना। इतना सा आखिर मोमिन होसी बड़े अकल, आखिरी ब्रह्म सृष्टि बहुत ही अकलमंद है। थोड़े में कहा अति घना रुए समझेंगी समझन हार, थोड़े के अंदर बहुत ज्यादा कह दिया धनी देवचंद्र जी ने।
कहते लड़े राह खुदा के वास्ते ये जो महीने हजार, कहते खुदा के रास्ते पर हजार महीने तक युद्ध किया। किसने? पहले सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने संबत 1638 से लेके 1722 तक, 1712 तक धनी श्री देवचंद्र जी महाराज लगे रहे जागनी के काम में। और फिर 1712 से लेके 1722 तक दीप बंदर तक किसकी लीला है? ये सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हजार महीने तक युद्ध करते रहे। लड़े रा खुदा वास्ते ए जो महीने हजार, तीन से भी बेहतर कई शिरजी बांधी कमर। कहते वो तो हजार महीने लड़े पर उससे भी बेहतर किसने कमर बांधी? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जाहिर करी जगत में ए लड़ाई सब ऊपर। जगत के अंदर कौन सी लड़ाई? जहां जाते थे वाणी चर्चा सुना सुना के उनके मन को मार देते थे, आत्मा को जागृत कर देते थे। आज हमारी आत्म बल ज्यादा है क्योंकि वाणी अंदर ज्यादा जा रही है, चर्चा ज्यादा जा रही है। रात को चर्चा सुबह तारतम वाणी, अब अंदर बलवान कौन बन गई है? आत्म निज बुद्ध आ गई है, नूर बुद्ध आ गई है हृदय के अंदर। इसी मन को मारने की लड़ाई थी, इसी शैतान को मारने की लड़ाई थी, है ना। तीन लड़ाई के बखत में जिनों करी मदद। लड़ाई कौन सी है? जागनी अभियान। इस माया कलयुग के साथ धर्म युद्ध करने के लिए निकले हैं महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। तिनकी मेहनत इन जमा कही ना जाए सिफत। जो श्री प्राणनाथ जी ने मेहनत करी वो शब्दातीत है, वो शब्दों में नहीं आ सकती। क्यों? नगर नगर में चल कर जाते, नगर नगर में चल कर जाते, एक एक रूह को आवाज लगाते, एक एक रूह को आवाज लगाते, बरसे में हर दिन रात जगाने प्राण नाथ जी आए, बरसे में हर दिन रात जगाने प्राण नाथ जी आए, भूली है धाम की जमात जगाने प्राण नाथ जी आए। तब जाना पड़ता था, आज शिरजी साहिब जी को आनंद आ गया कि इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में सभी वाणी चर्चा अपने अपने घरों में बैठ के सुन रहे हैं। तब ये इंटरनेट होता ना तो प्राणनाथ जी विश्व ब्रह्मांड को शायद एक ही दिन में जगा देते। बोलो श्री प्राणनाथ। 11 वर्ष उनको बंगला जी में बैठ के चर्चा करनी पड़ी। अगर वो 11 वर्ष मिल जाते इंटरनेट के माध्यम से तो सारा विश्व ब्रह्मांड महामती प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाता, है ना। क्योंकि उस समय में उन्होंने कितनी मेहनत करी, कहीं किश्तियों में जा, कहीं पानी के जहाज में जा, जहां रास्ता नहीं मिलता था तो पैदल जाते थे। 25,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने। विचार कीजिए, हम 5 चक्कर पारक के काट आए तो पता नहीं क्या बन जाते हैं। हम सोचते मैं तो घूम के आई हूं, अभी तो मुझे पसीना आया हुआ है, कितना घूम के आई है, कोई 4-5 चक्कर काट आई, अभी चुप हो जाऊं, घूम के आई हूं अभी है। और वो कितना घूमे? कितना? 25,000 किलोमीटर पैदल यात्रा। खड़ावे पहननी होती थी, कहीं झाड़ियों में जाते हैं तो कांटा लग जाता है, कहीं कंकर लग जाता है, कहीं पत्थर लग जाते हैं। 52 कांटे निकालेंगे महाराजा छत्रसाल जी श्री प्राणनाथ जी के चरण कमलों में से। धोने लगेंगे ना तो जल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ लगाएंगे तो उनके हाथ कट जाएंगे छत्रसाल जी के, इतने कांटे श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल में। किसको जगाने के लिए चले हैं? कह रही है ना, तिनकी मेहनत इन जुबा,
श्री लालदास जी महाराज ने देखा ना, आंखों देखी बात बता रही है ना कि किसकी मेहनत, जो श्री प्राणनाथ जी ने कमर बांधी सुंदर सात को जगाने के लिए, तिनकी मेहनत इन जुबा कहीं जाए ना सिफत। यहां आके रुक गए कि प्राणनाथ जी की सिफत के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि उन्होंने सुंदर सात के लिए कितने कष्ट उठाए, कितने दुख उठाए। कई कष्ट सहे तुमने, सब साथ जगाने को। कई कष्ट सहे तुमने, सब साथ जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए जगाने को। भूली हुई आत्म को तुम आए जगाने को। जिसको तुम मिल जाओ वो इते उत है धन धन। जिसको तुम मिल जाओ वो इते उत है धन धन। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। निज धाम से आए हैं ब्रह्म सृष्टि के कारण। कहां से चल के आए, परम धाम से चल के आए। कितने कष्ट सहन किए, किसको जगाने के लिए, हमें जगाने के लिए। आज भी ये शारदा नहीं जगा रही आपको, ये भ्रम का पर्दा उतार दो, अपनी आंखें खोलो। हम कहां से लाएंगे इतने शब्द, हम कहां से आत्मबल लेके आएंगे, हम कहां से इतना याद करेंगे बैठ के कि जो यहां बैठ के एक घंटे तक धारा प्रवाह सुनाया जाए, कौन याद करेगा इसको बैठ के। अभी तक देखने का भी टाइम नहीं मिलता, आज देखा ही नहीं कि प्रसंग कौन सा है। फिर यही लगा मेरते वाला ही होगा, वही होगा आज। सुबह से लेकर शाम तक वक्त ही नहीं मिला बैठ के एक बार अभी तक की चौपाइयों को भी देख लें। आज कौन जगा रही है, उन सतगुरु जी के हृदय में वो चोपड़ा मंदिर में दर्शन देके प्राणनाथ जी बाईजू राज हृदय में विराजमान हो गए, वही श्री इंद्रावती जी हृदय के अंदर विराजमान होके ये हम सबको जगा रही हैं। आज भी कोई दूसरा स्वरूप नहीं जगा रहा। आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। आंखें खोल के अपने धाम धनी को देख। कृपा के दी अति घनी, वली आव्या तत्काल। तेह जवानी तेह चर्चा प्रेम तनी रसाल। कृपा की दी अति घनी, हमारे ऊपर रामधनी प्राणनाथ जी ने इतनी बड़ी कृपा करी। वही वाणी वही चर्चा वही प्रेम वही वायदत वही लाड वही प्यार लेके हमारे बीच में आए हुए हैं। कौन लाड करेगा। लाड किए तुमने बड़े, लाड किए तुमने बड़े, हमको शिकायत आपसे कोई नहीं कोई नहीं। हमको शिकायत आपसे कोई नहीं कोई नहीं। चौदह तबक में आप सा कोई नहीं
कोई नहीं, तेरे सिवा में और किसी की होई नहीं, होई नहीं, तेरे सिवा में और किसी की होई नहीं, होई नहीं, होई नहीं, होई नहीं, होई नहीं, होई नहीं, चौदह तबक में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। कौन जगा रहा है जिन्होंने कहा था मैं खुद चल के आऊंगा? जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग, आए गए कहूं नहीं सब रूहें बैठी अंगलाग, जिस दिन मैं तुम्हें याद आऊंगा उसी दिन तुम जाग जाओगे, है ना। तो कह रहे हैं कि किनकी मेहनत इन जुबा कही ना जाए सिफत, जो श्री प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए मेहनत कर रही हैं उनके लिए शब्द नहीं है, है ना। तिनके नाम कह तो सुनियो चित दे साथ, कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ, कहते वो सुंदर साथ और वो महामती प्राणनाथ जी बाईजूराज महाराणी जी के साथ जो चलेंगे सुंदर साथ, उनके नाम स्वामी लालदास जी महाराज बता रहे हैं, और इनके नाम सुन होइए पाक, अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं इनका नाम बोलने से, इनका नाम सुनने से, इनका नाम लेने से। ये वो ब्रह्म मुनि है, ये मोमिन है, ये खासर खास परमधाम की आत्माएं हैं। कहते कुवत दई कादर ने, इनको ताकत किसने दी? ओ अक्षरातीत धनी ने, कौन घर छोड़ सकता है। आज हमारे सदगुरु आ जाएं, हमें कहें चलो जागनी के लिए चलें, हमारा जवाब तो बिहारी जी की तरह होगा, होगा कि नहीं होगा, सच्ची बताओ। जो जवाब बिहारी जी ने दिया था हम बिहारी जी के लिए तो हंसते हैं कि बिहारी जी ने कहा मैं घर छोड़ के नहीं जा सकता, मैं बाबा नहीं बन सकता। हमारे में से हाथ खड़ा करो, कौन है आज प्राणनाथ जी आ जाएं और कहीं मेरे साथ जागने के लिए चलो? कोई एक भी साथ चलने के लिए? कोई कहेगा मैं पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकता, कोई कहेगा मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकता, कोई कहेगा मैं बिजनेस को छोड़ के नहीं जा सकता, कोई कहेगा घर है कैसे छोड़ दें? हमारा जवाब भी बिहारी जी कितना ही होगा, प्राणनाथ जी कितना नहीं होगा कि चलो जगाएं सबको, पहचान कराएं सबको, हम तो माया की दलदल के अंदर फंसे हुए हैं। ये जो एक दो घंटे हम घर से निकल के आते हैं ना, ये हम नहीं निकल के आते, इसके लिए क्या माया ना मुख माए थी जुगते काडी जोर, माया के मुख में से श्री इंद्रावती जी कहती आप निकालते हो सुंदर साथ को, नई तजारक अति घनी आप धक्का मारते हो माया को, माया की दी पादरी दौर, तो सुंदर साथ के लिए रास्ता प्लेन होता है कि जा पढ़ सतगुरु जी के पाठ जा। ए माया जोरावर हती पर दूर करी मेरे प्राणपति, ये माया पता कितनी जोरावर है, इसको घर से छोड़ के आना पीठ देवे मोमिन को। कहते जो मोमिन होंगे ना वो दुनिया को पीठ देंगे, पीठ देवे दुनी को सोई मोमिन मुतलक, वो पक्के मोमिन जो माया को पीठ देके निकल के आए। निकलना आसान है तो कहते कुवत दई कादर ने, इनको ताकत किसने दी? लालदास जी महाराज जी कहते खुद के अंदर ताकत है, घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, समाज छोड़ के, संसार छोड़ के और सारे रिश्तेदारों की लोक लाज मर्यादा को छोड़ के। कितना बोल रहे होंगे उनके रिश्तेदार कि आपदा घर छाड़ के तो टोड़ पे आए, कौन नहीं बोल रहा होगा? कितना बोल रहे होंगे, किसकी परवाह करी? तभी प्राणनाथ जी ने कहा लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई, लोगों को सुनना बंद किया अपनी मर्यादा को तोड़ा तब जाके वो ब्रह्म ज्ञान मिला, तब ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब ज्ञान पदवी पाई, है ना। तो कहते कुवत दई कादर ने पकड़े अपने हाथ,
ताकत भी धनी देते हैं, हाथ पकड़ के माया से निकालते हैं, है ना। संग चले सेवन को ए जो मोमिन खासल खास, इनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आस। क्या कह रहे हैं, संग चले सेवन को, साथ चल पड़े प्राणना जी की बाईजुरा जी की सेवा करने के लिए, ये खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, कभी वापस नहीं आए अपने घरों में, कभी भी नहीं आए लौट के। इनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आस, इन्होंने घर की आस छोड़ी, कुटुंब कबीले परिवार की आस छोड़ी, एक आस किस पे रखी, आशा उम्मीद सब तुम पे है राखी, मुझ में नहीं कुछ भी मेरा, आशा उम्मीद सब तुम पे है राखी, मुझ में नहीं कुछ भी, सब छोड़ दी आस उम्मीद छोड़ के निकले, इनको श्री धाम धनी बिना और ना उपजे आस, ना बेटे पे आस रखी, ना बेटी पे रखी, ना पोते पोतियों पे रखी, ना पत्नी ने पति पे रखी, ना पति ने पत्नी पे रखी, सब आशा छोड़ के एक ही आस, मन चित बुद्ध दृढ़ किया, पिया ना करे निराश, श्री महामत नेचे करके हो सी दुल्ले सो विलास। हम कहते हैं हमसे दुकान नहीं छोड़ी जाती, मैं तो नौकरी करती हूं, मैं कैसे आऊं पाठ पढ़ने के लिए, मैं तो दुकान भी है ना, घर भी है ना, बच्चे भी है ना, ये कौन से युग में आए हैं, ये ब्रह्मुनि क्या सतयुग में आए हैं, ये कौन सा युग है, यही युग था कलयुग, इसी के अंदर उनका घर है, उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, वो भी इतने बड़े बड़े बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन हैं, पर किसके लिए छोड़ा, किसके लिए, धनी के लिए। कहते सूरत से प्रस्थान, श्री जी संग श्री भाई जी और भट्ट गोवर्धन, श्री जी साहिब जी के साथ एक तो श्री बाईजूराज महारानी साहिबा चली हैं सूरत मां मंगलपुरी धाम से, और गोवर्धन जी चले हैं, और गोवर्धन जी ने सेवा कितनी करी, लालदास महाराज जी ने सबका शिष्य कितने लिखा है, और अगली भी तक हमारी लिखने वाली है, ऐसा ना सोचना कि हमारी भी तक नहीं लिखी जाएगी, इसके बाद हमारी भी तक लिखी जाएगी, लिखी जा रही है राजी महाराज के दिल में, क्योंकि सेवा सिफत मोमिन की पहुंचत है सब हक, राजी महाराज के दिल में हमारी सेवा पहुंच रही है कि किस आत्मा ने मेरे लिए कितनी कुर्बानी की, क्या क्या सेवा की, खाली नहीं जा रही, एक पल सेवन की आवे ना माए शुमार, एक पल भी जिसने सतगुरु की धनी की सेवा की उसका कोई शुमार ही नहीं होगा। और कहते यहां लिख रहे हैं हमारी भी तक हमें परम धाम के अंदर 45 मिनट तक सुनाई जाएगी, पर डरे वो जो ब्रह्म सृष्टि है, जो ईश्वरी है, जो जीव है, उनको कोई घबराने की जरूरत ही नहीं, माया के जीवों को तो बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं, उनको तो अखंड होना है, बस धनी अखंड कर देंगे, है ना। चिंता किसको होनी चाहिए, माथे ले से तेने कहूं बीचा मां कर जो दुख, तम तमारी माया मीने सहजे भोगो सुख, जो कहे मैं ब्रह्म सृष्टि हूं उसका चिंता का विषय है, क्योंकि जो कहे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मतलब जो कहे कि मुझे पढ़ के ये बनना है, उसको पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, जिसको पता है मैंने फेल होना है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फेल सबसे आसान काम क्या है, जो बिना किए हो जाए, कुछ भी ना करना पड़े और बंदा हो भी जाए, वो क्या है, क्या है, एडमिशन करा लो, स्कूल ना जाओ, पढ़ाई ना करो, फेल हो जाएंगे, कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, तो माया के जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब प्राणनाथ जी ने नालियों के कीड़ों को भी अखंड करना है तो जो जीव है वो तो वैसे ही अखंड हो जाएंगे, जिनको तारतम मिल गया वो अखंड हो जाएंगे, जिन्होंने वाणी सुन ली वो अखंड हो जाएंगे, पर जो ब्रह्म सृष्टि है उनको
तो धनी ने कहा श्री महामत कहे ऐ मोमिनो जिन हंसी कराओ तुम याद करो बीच बक्का के मांग्या खेल आगू कसम। जो परम धाम की आत्माएं हैं उनको कहते हैं हंसी का पात्र ना बनो और हंसी सब सोहेली पर ए हंसी सही ना जाए और सारी हंसी सहन कर सकते हो ये परम धाम के अंदर हंसी सहन नहीं होगी क्योंकि हमारी जरा सी ये 100 लोगों में अगर किसी की इतनी सी बात कह दी जाए तो वो 15 दिन बात नहीं करता और वहां बात होनी है 11,999 के बीच में एक जने की बात और 1199 ताली बजाएंगे किसके ऊपर किसने खेल में ऐसा किया। इसने खेल में माया को छोड़ा ही नहीं ये आई ही नहीं थी तो ये हंसी होगी कहां होगी ये तो बहुत कम है हमारे पास तो 3-4 जने खड़े हो 3-4 जनों में कोई बात कह दे तो हमें ना दिन को चैन आता है ना रात को चैन आता है भी उसने मुझे ऐसा कह दिया। अब ये सारी कहने की बात तो वहां कही जाएगी कहां श्री राज जी बोल लेंगे परम धाम के अंदर है ना। तो इनको चर्चा सुन ली इन्होंने इनको पता लग गया कि हम परम धाम की आत्माएं हैं। अब जब श्री जी कह रही है कि जो परम धाम की आत्मा है वो तो तन से मन से धन से जीव से आत्म से खुद को समर्पित कर देगी धनी के चरणों में तो कहते सेवा करी तन धन सो हुआ साथ में धन धन। नीलम जी किसने तन मन धन से सेवा करी नहीं बेला जी किसने सेवा करी तन मन धन से अभी कौन कौन निकले हैं प्राणनाथ जी के साथ तो गोवर्धन जी ने करी है। गोवर्धन जी कहां से आए थे अबासी बंदर से हैं तो सेवा किसने करी सेवा करी तन धन सो तो हुआ साथ में धन धन। उन्होंने क्योंकि तन धन दो क्यों लिखे क्योंकि जिसने तन लगाया तो बिना मन के तो तन भी नहीं लगता और बिना मन के धन ही नहीं लगता इसलिए मन लिखा ही नहीं तन और धन लिखा क्योंकि मन को लिखने की जरूरत ही नहीं कि मन के बिना हम 1 रुपया निकाल के किसी को नहीं दे सकते हमारा मन ना हो हमारी श्रद्धा ना हो है ना। तो कहते हैं और भीम भाई चले निक्षिया तन ले धन भीम भाई भी तन और धन से निकले सेवा करी उमर लो गाय के प्रेम वचन। कहते पूरी उमर सेवा करी किसने भीम भाई ने जागते रहना क्योंकि पीछे तक आवाज आ सकती है लास्ट में जो पर्दे के पीछे बैठे हैं वहां भी आवाज आ सकती है। श्री पुजारी जी महाराज हम पर्दे में से भी देख रहे हैं आपको ठीक है। नाग जी अति नेसो छोड़ी कुटुंब की आस किसने नाग जी भाई ने तन मन धन सब ले चला पाया किताब नाम गरीब दास। श्री प्राणनाथ जी को नाग जी भाई ने पूछा नाग जी भाई से प्राणनाथ जी ने पूछा भैया तन किसका है नाग जी भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि शिवजी साहब जी आपका तो कहते मन किसका है कहते आपका कहते और आपका जो धन है वो किसका है बोले आपका कहते फिर तो आप बहुत गरीब हो आपके पास तो अपना कुछ भी नहीं है तो नाम क्या रख दिया प्राणनाथ जी ने गरीब दास। और श्याम भट्ट जी जाते हैं कुछ दिन रहते हैं पर वो अपने मन को बस नहीं रख सके तो दिल्ली से वापस आ जाते हैं और नाना भाई आखिर तक शिवजी साहिब जी का साथ निभाते हैं और कान जी और राम जी अपना कबीला लेके साथ चलते हैं और आखिर तक परना जी तक सेवा करते हैं 11 वर्ष परना जी में भी साथ रहते हैं। और जमुना बाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार जमुना बाई कौन है धनी श्री देवचंद्र जी की बेटी जमुना बाई उनका बेटा है छबील दास है ना और ये जल की पिलाने की सेवा करती हैं परना जी में 11 वर्ष तक फिर अपने बेटे छबील दास जी को सेवा दे देती हैं। बिहारी जी तो नहीं आए पर जमुना बाई तो सूरत से ही साथ चल पड़ी है ना सेवा करी सनेसों जान के परवरदिगार अपना धाम धनी समझ के उनकी सेवा करी। छबील दास संग चले सेवन के सुख काज और छबील दास कौन है जमुना जी के बेटे और बेटा जमुना का जान के सेवा दई श्री राज धनी देवचंद्र जी का दोता समझ के जमुना बाई का बेटा समझ के
खास सेवा क्या है, प्रातःकाल 5:15 बजे बंगला जी के अंदर जल पिलाते हैं, जब श्री प्राणनाथ जी सुख सज्जा से उठती हैं, और कुछ दिन धाराबाई पत्रियों पहुंचाते हैं, डाकिया की सेवा करते हैं, लालबाई और श्यामबाई भी बाईजूराज महारानी जी की सेवा के लिए साथ चलती हैं, और लालदास संग चले खाली लेकर हाथ। लालदास जी ने किसी का तन लिखा, किसी का धन लिखा, जब अपनी लिखने की बारी आई तो कहते मैं लालदास खाली लेकर हाथ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, निभाए आखर लो चले श्री राज के साथ। कहते ये लालदास ने आखिरी तक निभाया, क्योंकि शिव जी के साथ चले, और सुखदेव जी सूरत से चले, मानिक बाई चले, प्रेम जी चले, है ना, और सूरत से जब गुजरात के अंदर पहुंचे तो गुजरात अहमदाबाद में 4 दिन में रहते हैं, फिर 4 दिन अहमदाबाद में रह के फिर सिद्धपुर में आ जाते हैं, और लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात, लक्ष्मण भाई हैं एक, वो गुजरात अहमदाबाद में आ जाते हैं। तो कबीला भारी भया कहीं रहने की बात, उन्होंने कहा कि शिवजी साहब जी मेरा परिवार बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा है, तो मैं कैसे रहूं, तो तीस वास्ते रहा बीच में माया के सुख काज, माया के कारण बीच में जाना पड़ा, उमर खोई तीन ने फिर सूरत करी श्रीराज, पहले उमर बिता ली फिर सुरता को लगाया धनी के चरणों में, और सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन। सिद्धपुर में कितना टाइम रहते हैं, 22 दिन। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी होए मगन, उपाध्याय भगवान दास रेवादास वो सेवा करते हैं श्री प्राणनाथ जी की, और भगवान का रेवादास है नाम, पहुंचा पालनपुर में इनके पूरे मनोरथ काम, ये पालनपुर तक साथ जाते हैं। एक तीर्थ गुरु है मिलिया कछु न हुई खबर, ये जो तीर्थों पे गंगा किनारे वो नहीं खड़े होते कि आपको दक्षिणा देनी है, चलो हम इस मंदिर का दर्शन कराते हैं, इस मंदिर का दर्शन कराते हैं, वो मंदिरों का दर्शन कराते हैं साथ में दक्षिणा लेते हैं। तो ये भगवान दास रेवादास एक पंडा है, पंडित है, तो श्री प्राणनाथ जी ने उसको एक सोने की मोहर दे दी पंडित को, तो उसको लालच हो गया कि इनके पास सोने की मोहरे हैं, तो फिर वो पीछे पीछे चला, तब गोवर्धन ने कहा करो इन स्वरूप की पहचान, गोवर्धन भाई ने कहा अरे कहां सोने की मोरों के चक्कर में उनके पीछे चल रहे हैं, इनके स्वरूप की पहचान करो ये कौन है, मांगो अलौकिक इनसे तुमको देवे ईमान, आप इनसे अलौकिक वस्तु मांगो, अलौकिक वस्तु है धाम धनी पर विश्वास होना, इससे बड़ी अलौकिक वस्तु कुछ भी नहीं है, पार की वस्तु एक ही है अपने सतगुरु पर अपने धनी पर विश्वास होना। तो कहते तब गोवर्धन ने कहा, तब अर्ज करी भगवान ने लगा दऊ कदम, फिर भगवान दास रेवादास ने प्राणनाथ जी के चरण पकड़ लिए, पंडित ने क्या कहने लगा, पर आत्म पहचान के जगाओ मेरी आत्म, मुझे भी पर आत्म की पहचान कराओ, मेरी आत्मा को जागृत करो। तब 4 सुकन चलते गए याद करो निर्धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम, 4 शब्द कहे कि याद करो अक्षर धाम को, हौज को, सर तालाब को, क्योंकि अक्षर धाम और परम धाम के बीच में जमुना जी बह रही हैं, वो पुखराज पर्वत से निकलती हैं और जाके हौज को सर के अंदर समा जाती हैं। श्री जी कहते हैं वहां 7 घाट हैं, उनको याद करो, अक्षर धाम को याद करो। श्री जी ने कहा ब्रिज में भी हम आए थे, रास में भी हम आए, और इस जागनी ब्रह्मांड में भी हम आए, हमारी खेल देखने की इच्छा भगवान दास रेवादास बाकी रह गई थी, इसलिए तीसरा जागनी ब्रह्मांड हमारे लिए बना। ए बातचीत धर के फिर आया अपने ठौर, भगवान दास रेवादास ये शिवजी की बातें सुन के अपने घर आ गया, सोई बात दिल में रखी काहू ना कहवे, और वो बात अपने दिल में रखता है 4 अक्षर, कौन से, ब्रिज, रास, जमुना जी और 7 घाट, हौज को सर तालाब, तो 6 महीने तक नहीं बोलता। रहे केशव भट्ट सोबत, एक दिन केशव भट्ट सोबत करी आके, केशव भट्ट जी आए, बोलना नहीं 6 मास लो, रहे केशव भट्ट सोबत, तिनसे चर्चा करते एक छतरी निकला इत, 6 महीने बाद बोला भगवान दास रेवादास, सिर्फ 4 ही अक्षर मिले थे उनको,
हमको 18,758 वाणी मिल गई और हम सारा दिन बातें ही करते रहते हैं दुनिया की। उसको चार अक्षर मिले, वो बोलना ही नहीं 6 महीने तक कि ये चार अक्षर, उन्हीं पर चिंतन करता रहा, है ना। तो फिर उन्होंने तीन ने हमें प्रमोद या दो एक कई वचन सोई वचन हमसे कहो तीन से दो एक सुकन। केशोदास जी ने कहा जो उन्होंने आपको वचन कहे थे ना क्षत्रि ने, वो मुझे सुनाओ। तब दो एक सुकन कह दिखाया धाम, तब केशवदास पहचानिया कहा कहूं तुम्हें से ठाम। केशवदास जी कहते भगवान दास रेवादास जी को, अरे मैं तेरे को क्या कहूं, तू जिनको क्षत्रि कह रहे हैं कि एक क्षत्रि यहां से निकले थे, यह तो अक्षराती था तुम न करी पहचान। ये क्षत्रि नहीं था, ये तो अक्षराती था, आपने उनकी पहचान नहीं करी, है ना। अब तो मैं उती जातूं, मुझे आया ईमान। केशवदास जी तभी चल पड़े और ऐसे उचलिया पूछत फिरे सब ठोर। वहां से सिद्धपुर से चल पड़े दिल्ली की तरफ और पूछते पूछते ढूंढते दिल्ली पहुंचिया। खोज करी अति जोर, सोचो दिल्ली के अंदर जाके जहां कोई मोबाइल नंबर नहीं है, फोन नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है प्राणनाथ जी का, तो कौन सी शक्ति से उन्होंने प्राणनाथ जी को खोज लिया। अंतस्करण के अंदर जो प्यास, जो विरहा, जो दर्द जगा प्राणनाथ जी को मिलने का, उसने खेंचा। तो कहते रामचंद्र परसाईरी से पूछा, क्योंकि प्राणनाथ जी को निकले 6 महीने हो गए, 6 महीने पहले निकले थे, 6 महीने बाद वो ढूंढने जा रहे हैं। तो रामचंद्र पंसारी से जाके पूछते हैं, तो लाल दरवाजे आए मिला अति आतुर होए। दिल्ली में लाल दरवाजे में पहुंचते हैं, कोई दिन तहां रहा सुने सुकन सुभान। लाल दरवाजे में केशवदास जी को प्राणनाथ जी मिल गए और वहां चर्चा सुनी, तारतम निके जानिया कछु ज्यादा ही भई पहचान। कहते तारतम मिल गया और चर्चा सुन के कुछ ज्यादा ही पहचान हो गई। तो फिर भगवान दास रेवादास को वापिस आके वो जगाते हैं, सुनीता जी कौन जगाते हैं भगवान दास रेवादास जी को, हैं गरिमा जी कौन जगाते हैं, केशवदास जी, शाबाश बहुत अच्छे। तिनको लाया साथ में किया जो खबरदार, केशव जी प्रमोदिया और द्वारकादास। केशवदास जी ने द्वारकादास जी को सुनाया धाम लीला दिखाए के टूट गई आस, ये भी घर को छोड़ के गए श्री राज के पास। ये केशवदास और द्वारकादास भी घर परिवार को छोड़ के प्राणनाथ जी के पास चले गए। दिल्ली में आए मिले सेवा की दिल में आस, और दिल्ली के अंदर आके मिलते हैं। और फिर थाना था प्यासिदपुर में केशव भट्ट के घर, केशव भट्ट के घर पे ही मंदिर की स्थापना कर दी। धाम चर्चा नित होवी साथ रहा पकड़, नित्य प्रति सिद्धपुर के अंदर एक मंदिर बना दिया और वहां पे केशवदास जी वाणी चर्चा करते हैं। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाए, लाभानंद जती सो चर्चा करी बनाए। अब सिद्धपुर से मेरता में आते हैं और लाभानंद जती के साथ शास्त्रार्थ होता है मेरता शहर के अंदर, और 10 दिन तक चर्चा होती है। जब श्री प्राणनाथ जी के प्रश्नों का उत्तर लाभानंद जती दे नहीं पाते, तो वो तांत्रिक थे बहुत बड़े लाभानंद जती, उन्होंने कहा कि मैं तो सभी देवी देवताओं को, भूतों को, प्रेतों को शमशान घाट में जा जाके अपने बस में किया हुआ है, तो दाबू मारू दाबू के पहाड़ के इनको डारू उल्टा है, मैं पहाड़ उल्टा के प्राणनाथ जी को दबा के मार दूंगा। क्या कह रहे हैं विजय जी, हाँ मेरा तो सारा जो हो मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ाई थी, क्योंकि पूरे मेरता वाले इकट्ठे हुए थे जब प्राणनाथ जी का और लाभानंद जी का शास्त्रार्थ हुआ। तो कहते सब देवताओं के मंत्र बांध बांध किए उपाय, उसने सारे भूतों को बुलाया, प्रेतों को बुलाया, सारे उपाय किए, लेकिन घर पर्वत उठया नहीं। उसने सोचा जिस घर में है वही उल्टा दूं, वही उससे उठ नहीं सका, तब हार के बैठा ठोर, वो हार गया और अपने ठिकाने पे बैठ गया। स्वामी लाल दास जी कहते हैं
पंचवासना सब देव जा खड़े ता मंत्र चले क्यों और बोलो श्री प्राणनाथ। और कहते ऐसे में श्री प्राणनाथ जी के साथ जब हार गया तो इस समय में सारे मेरता शहर के लोग प्राणनाथ जी के चरणों में ऐसे आने लगे। कहते शोर पड़िया शहर में आवत सब खलक, घेर रहे मधुमक्खी जो कोई आए दीन बीच हक। मधुमक्खी के छत्ता होता है ना शहद वाला, उसके ऊपर जो मधुमक्खियां घेरा डाल लेती है ना, इस प्रकार घेर रखा है किनको, श्री प्राणनाथ जी को। और ऐसे में बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होती है। अगर वह बनिया मिने आया राजा राम, समेत कबीले अपने सेवा करी तमाम। जानजन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार, ले आया ईमान अरश पर पहुंचा परवर दिगार। बोलो श्री। अब एक राजा राम भाई हैं मेरता शहर के सेठ, उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार देखा कि देखो हमारे लवानंद जति को पराजित कर दिया। वो श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आए और भोजन का निमंत्रण दिया प्राणनाथ जी को, अपने घर में बुलाया प्राणनाथ जी को। और जब प्राणनाथ जी उनके घर में गए तो उनकी बेटी है ललिता, जो काली है कुबड़ी है, कुब निकला हुआ है, कारी कुम्मत, कुम्मत में सोचता है कम बुद्धि वाली, कारी कुम्मत कुब, कुब निकला हुआ है, कारी कुम्मत कुब कुचलिया, ऐसी कठिन कठोर नारी। प्राणनाथ जी ने देखा कि ललिता सखी, ये तो परम धाम की सखी है। और जैसे ही प्राणनाथ जी अंदर आते हैं तो ललिता पागलों की तरह दीवानों की तरह हाथ पैर मारती है। प्राणनाथ जी ने पूछा ये कौन है, तो बोले कि ये मेरी बेटी है। जब श्री प्राणनाथ जी स्नान करने के लिए बैठे तो स्नान करते करते एक जल का लोटा उस ललिता के ऊपर डाल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ। जैसे ही ललिता पे जल का लोटा डाला, वो ललिता एक सुंदर स्वरूप बन के खड़ी हो गई। उसकी तरफ से वाणी का गायन हुआ, वारी रे वारी वारी रे वारी मेरे प्यारे, ओ प्राणे प्यारे, ओ गुम्मट वाले, पिया में तुम पर वारी, तनी में तुम पर वारी, पिया में वारी वारी, तनी में वारी वारी, पिया में वारी वारी, तनी में वारी वारी। आप ध्यान से बोल रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है रेशमा जी, कहाँ देख रहे हो? वो प्ले 5 मिनट के बाद आएगा आपके सामने। अभी पहले जिन्होंने कूब ठीक किया है, जिन्होंने कृपा करी है, उनको तो चितवनी से देखो, उनको तो ध्यान से देखो। पिया में तुम परवारी, तनी में तुम परवारी, पिया में वारी वारी, तनी में वारी वारी, पिया में तुम परवारी, तनी में तुम परवारी, मेरे गुम्मट वाले, मेरे पंजे वाले, मेरे सिरथी प्यारे, पिया में तुम परवारी, तनी में तुम परवारी, पिया में वारी वारी, तनी में वारी वारी। ये ललिता सखी ने सुंदर प्रसंग गाया जो हम कल फिर गाएंगे। अभी हमारा प्ले तैयार है, हम चौपाई दोहराते हैं। आ जाइए आप सभी प्ले करने वाले जो सुंदर साथ हैं, आप आ जाइए। श्री प्राणनाथ जी, राजा राम भाई जी, उनकी धर्म पत्नी जी, लाइव सुंदर साथ जी, चौपाई दोहराने के बाद आपको लाइव प्ले दिखाया जा रहा है। आप सभी सुंदर साथ पहले चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप सभी सुंदर साथ चौपाई दोहराएं। अगरवाल बनिया मिने आया राजा राम, समेत कबीला अपने सेवा करी तमाम, सेवा करी तमाम। लाडले सुंदर साथ जी, आप ये प्ले वाली लीला सभी को शेयर करें। आज ललिता सखी का प्ले दिखाया जा रहा है,
राजा राम भाई झंझन भाई श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। उनकी बेटी काली कुम्मत को कुचल्या को सुंदर स्वरूप प्राणनाथ जी ने कैसे दिया, ये लीला हम देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। रिंकू प्ले के समय ना भीड़ भी दिखाते रहना, सुंदर साथी। आ जाओ तो बातें नहीं करनी, शान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मेरी आत्मा के निज स्वरूप की पहचान कराने वाले निश्चित रूप से मेरी आत्मा सोचा है बेटा कि हम सब मिलकर सत्संग में जाएंगे।
नगर में बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा का आगमन हुआ है। वहां जाकर बेटी तुझे अवश्य शांति मिलेगी, तू चलेगी हमारे साथ बेटी। बात होगी प्राणनाथ जी। ठीक है,
सबका प्रेम भरा आग्रह नहीं ठुकरा सकता, इसलिए हम कल आपके घर भोजन करने अवश्य आएंगे। Thank you.
से ही हुआ है। उन्होंने हमारी बेटी पर जल छिड़का और ये ठीक हो गई। जब मैंने दुनिया को चाहा, दुनिया ने मेरे बच्चे को देखा।
अक्षरा ने और इधर राजा राम भाई, इधर हमारी सीमा जी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ये ही है वो जो सुंदर प्ले चल रहा है। और हमारे श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप आज कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना प्यारा सुंदर स्वरूप सज के और इतनी सुंदर एक्टिंग की, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि सच में चर्चा कर रहे हैं बैठ के, है ना। तो इन सब के लिए जोरदार एक जय करा, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, राजा राम भाई की, ललिता सखी की, नेता शहर की। हमारे राजस्थान में चमत्कार किए तो राजस्थान की, नेता शहर की, प्राणनाथ प्यारे की। गए अंदर, ये राजा राम भाई जी को माला पहना। राजा प्यारे की, श्री राजजी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि श्री राजजी महाराज जैसा जैसा जिसको रोल दे ना, उसके अंदर वही शक्ति, वही भक्ति, वही प्रेम, वही सेवा स्वयं ही इनके अंदर भरते चले जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, हमारे छोटे छोटे सुंदर साथ। अब माला तो एक है मेरे पास, मैं किसको पहनाऊं? यहाँ Yeah.
उसको। सिया तुम हो तैसी